हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर व्लॉग। आप सोच रहे होंगे कि मेरे को फ्लाइट में होना चाहिए, पर मैं यहाँ क्यों लेटा हूँ? क्योंकि मैं गाइस अभी एक क्या बोलते हैं 5-स्टार लॉन्च में बैठा हूँ एयरपोर्ट के। नहीं गाइस, मैंने जो है फ्लाइट मिस कर दी, लेट आया मैं। लेट मेरा 10:45 की फ्लाइट थी, मैं पहुंचा 10 बजे। तो बोलते हैं निकल, पहुंचा उधर बोलते हैं निकल ना भाई। भाई डांट दिया मेरे को, क्या बोलती है। मैं गया, बोला मैम थोड़ा सा लेट हो गया, प्लीज जल्दी जल्दी कर दो जाना है। व्हाट इज दिस टाइम, टाइम क्या है भाई? बात तो ऐसे कर रही जैसे कि तूने भरा है मेरा पैसा फ्लाइट का। इतना दर्द मुझे नहीं हो रहा जितना दर्द तुझे हो रहा है। व्हाट इज दिस टाइम, क्या टाइम है? नहीं जाने देगी। अरे भाई, बट फिर जाने नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि एक नई फ्लाइट बुक करता हूँ, और मेरे कुछ के पैसे से करना पड़ा मेरे को। तो 4:45 की फ्लाइट बुक करी मैंने। फिर मैंने सोचा कि अब मैं जाऊंगा किधर। फिर मुझे याद आया द रेस्क्यूअर अनाइता के घर पे जाते हैं। फिर मैं अनाइता के घर चला गया। डिमिट्रियस भी इधर ही है, और अभी इधर ही टाइम निकाल रहा हूँ मैं। इधर पिज्जा वीजा मंगा के खा रहा हूँ, और यही बकचोदी चल रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी जाऊँ नहीं जाऊँ। प्लान सोच रहा हूँ कि नहीं जाऊँ, फिर मुझे हाइड्रा का कॉल आया कि भाई आ जा, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। ऐसा कॉल वॉल पे बोलते हैं लोग भाई। ब्लडलाइन ने भी कॉल बोला मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, कोई सीन नहीं है। तो फ्लाइट बुक की है, और अभी यहाँ पे आके वेट करके बैठा हूँ। अभी कुछ नहीं, थोड़ा मस्ती वस्ती करूँगा मैं और जाऊँगा। कितना मतलब एडवेंचरस जिंदगी जी रहा हूँ मैं, ये जिंदगी नहीं चाहिए। हाँ ये गाइस, ये कुछ बता रही थी कि मैं ऋषिकेश से जब फ्लाइट से आ रहा था। तो ही वेंट टू ऋषिकेश नो फॉर हिज फ्रेंड्स वेडिंग। सो ही वाज सिटिंग इन द प्लेन, ओके, एंड ही वाज ट्राइंग टू स्लीप, बट द गर्ल इज टॉकिंग। सो ही कम्स आउट ऑफ द फ्लाइट, ही रिमूव्स हिज कैमरा एंड ही इज लाइक क्या चुतिया लड़की थी। 2 घंटे से बकी जा रही है, बकी जा रही है, बकी जा रही, चुप नहीं हो रही है। दैट वाज वेरी फनी। और वो गाइस, लेटर आई केम टू नो दैट शी इज एन इन्फ्लुएंसर। मैंने उसका रील देखा, उसके कुछ अराउंड 70-80 के फॉलोअर्स है। मैंने यूफोरिया को भेजा वो रील देखा, मैंने बोला कि ये देख भाई क्या है ये करके, इतना बकबक कर रही है ये वो है करके। भाई बड़ा रिग्रेट हुआ, अगर उसने अभी व्लॉग देखा ना तो देखना है। अभी कैब का वेट कर रहे हैं, और मैं अभी जा रहा हूँ इस घर से। 2:30 हो रहा है, मेरा 4:45 का फ्लाइट है। ये मेरे को ऐसे ड्रॉप कर, मतलब वो सी ऑफ करना ही है, और कैब ढूंढ के देखी हम लोग जाएंगे यहाँ से। ये मेरे को नहीं लगता रे कोई रुकेगा रे, मुश्किल है, कोई नहीं रुकता रे भाई हमारे लिए। ये कर दूँ करे ओला मैं, ओला करूँ क्या भाई? ये बोलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स जो है वो खाली डोमेस्टिक में नाम है उसका। टीटू है ना इंटरनेशनल का। टीटू क्या होता है भाई? टर्मिनल्स 2 कौन सा एयरपोर्ट का नाम टर्मिनल्स 2 है? टीटू एयरपोर्ट। आगो। भाई सब इंटरनेशनल है, डोमेस्टिक है, वो पूरे एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। ऐसा क्या छत्रपति शिवाजी महाराज भगत सिंह ना क्या बोलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसा नहीं है, एक ही नाम है उसका। तेरा नाम क्या अनाइता, उसके बाद क्या अक्षिता, ऐसा कुछ है क्या? क्या होगा रे गाइस, क्या हो रहा है यार? क्या मेरा इनके साथ रहने की वजह से ऐसा हो रहा है, कि इनका मेरे साथ रहने की वजह से ऐसा हो रहा है? कुछ भी होगा, इस कंटेंट इंपॉर्टेंट है। कुछ कर रही है अभी कि कितने एयरपोर्ट का नाम दूसरा कुछ है। एयरपोर्ट्स इन मुंबई T1 एंड ऑल डोमेस्टिक टर्मिनल्स T2 नोन एज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हां तो क्या लिखा, हाउ मेनी एयरपोर्ट्स डज, हाउ मेनी नहीं लिखना है, व्हाट्स द नेम ऑफ द एयरपोर्ट्स इन मुंबई। नाम की बात चल रही है, नाम की, नाम देख। मैंने तेरे को क्या बोला T2 और T2 है? T1 T2 है, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2। नाम पूछ रहा हूं मैं, नाम। ये गाइस हगने के बाद ऐसा शक्ल बनता है। क्लियर गाइस, एयरपोर्ट पे आ गया, और अभी ऐसा सीन हो रहा है कि मेरे को फ़्लाइट नहीं मिलने वाली थी, फिर से मेरी कैंसिल होने वाली थी फ़्लाइट, मतलब मिस होने वाली थी, जस्ट बिकॉज फ़्लाइट का सीट्स फुल थे। मेरे को इमरजेंसी गेट पे मतलब बिठा रहे, इसका मतलब ये है गाइस कि हमारी किस्मत आज बहुत ख़राब है। किसी बेहुदा इंसान का चेहरा देख के या नाम सुन के उठाऊँ मैं आज को, उठा क्या, सोया ही नहीं हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। बट आई होप अभी तो होपफुली हम लोग पहुँच जाएंगे, हो गया सिक्योरिटी चेकिंग मुश्किल से, तो अभी देखते हैं। मिलते हैं आप लोगों को बैंगलोर में अपने सारे लौंडे लपाटों के साथ, ठीक है, बाय।
फाइनली वी आर इन बैंगलोर और अभी टैक्सी से जा रहा हूँ होटल की तरफ. फेयर फील्ड मैरियट करके जगह है होटल हमारा जो बुकिंग हुआ है सब हुआ है. तो वहाँ पे सब लोग रेड लाइन सब लोग वेट कर रहे हैं. आज का दिन हमारा ऐसी गया एकदम पूरा स्ट्रेसफुल. फ्लाइट मिस हुआ फिर यहाँ आ गए ये वो बस वेट किया. पता नहीं किस मनुष का चेहरा देख लिया था मैंने सुबह और ऐसा दिन गया तो पूरा एसी में चला गया. अभी थोड़ा सोच रहे हम लोग की पार्टी वार्टी करे जाके तो तुरंत मेरे को सामान वामान रखना है. ब्लडलाइन हाइड्रा जितने भी क्रिएटर्स आए श्रीमान भाई भी आने वाले हैं शायद मैंने सुना था. तो जितने भी लोग आए सब लोग से मिलेंगे पार्टी शार्टी करने जाएंगे और वहाँ का भी थोड़ा ग्लिम्प्स बताने का ट्राई करूंगा. तब तक के लिए पहले पहुंच जाऊं मैं उसके बाद करते हैं. लगेज वगैरह सब ले लिया मैंने सब कुछ एकदम डन है. सो या सी यू देयर इन द होटल. गाइस वी आर इन द रूम होटल आ गया मैं बहुत ज्यादा कश्मकशी के साथ. हमारे साथ यहाँ पे मिडफील्ड भाई है. आपका नाम क्या वैसे? पार कर कार्तिक. कार्तिक भाई भी है हाइड्रा है ये लोलू है और मैं यहाँ पे आया. इसके पहले मेरा गाड़ी भी खराब हो गया जिस कैब से मैं आ रहा था. और यहाँ पे आने के बाद मैं बोला कि इतना थक गया हो इतना कश्मकशी से आया हो इतना तकलीफों के बाद आया हो तो मैं सोचा यार थोड़ा सा अभी अच्छा फील करूंगा. तो अच्छा फील करने के लिए लोग ने मेरे को एक गिफ्ट दिया. ठीक है हाइड्रा और ना इन लोग लेके आए मेरे लिए गिफ्ट एक वॉच. मेरे ब्लडलाइन और मिडफील की तरफ से ये गिफ्ट है. हाँ जिमी तो ये है वो गिफ्ट गाइस. ये वो क्या बोलते हैं सीनियर केजी में बच्चा जाता है उसके लिए गाड़ी लाया है. ठीक है तोता वाला इसमें तोता बना हुआ है. तो अभी कल कॉमिक कॉन में मैं ये पहन के आऊंगा पक्का. और अभी इतना थक गए है तो सोच रहे कि अभी हम सो जाएंगे. कहीं कहीं जाना वाना नहीं है अभी. कहीं नहीं जा रहे सिर्फ सोना है. और ब्लड लाइन भाई आज तो आप अकेले सोओगे नहीं. कोई दिक्कत नहीं. कोई दिक्कत नहीं ब्लड लाइन भाई कोई दिक्कत नहीं. मैं आ गया हूँ अभी आपको तोड़ने के लिए. कोई सीन नहीं है. तो अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा सो बातचीत करेंगे थोड़ा सा उसके बाद सो जाएंगे. तो आई होप आपको आज का ये जो कश्मकश्मी का वाला व्लॉग जो है पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर यू गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और तुम लोग भी बाय बाय बोल दो प्लीज. तेरी व्लॉग यही एंड हो रही है. हाँ मेरी व्लॉग एंड हो रही है. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस. आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वाला वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस. हिट द लाइक बटन 100K जल्दी कराओ जल्दी. 10K हुए कि नहीं हुए इंस्टाग्राम नहीं हुए भाई. जल्दी कराओ गाइस क्या कर रहे हो जल्दी कराओ. इश्क कर ले इश्क कर ले होंठ तेरे में का प्याला. इश्क कर ले तू है मेरा गरम मसाला. इश्क कर ले इश्क कर ले.